अच्छाई पर बुराई चाहे जितनी बार भी जीत जाए, लेकिन अच्छाई को सिर्फ एक बार ही जीतना होता है। पोजिशंस, बीस साल पहले जब तुम्हें देखा था तो घबरा गया था कि इस देश का क्या होगा। 20 साल बाद इसे देखने के बाद गर्व हो रहा है मुझे। दुनिया भर में अपने देश में ही शुगर पेशेंट सबसे ज्यादा हैं। कोरोची नाम के सी वीड्स के टुकड़े हमारे समुन्द्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उनसे डायबिटीज के लिए कम दाम में मेडिसिन तैयार की जा सकती है और ये दवा उसका परमानेंट क्योर हो सकता है। ये मेरी मेहनत का फल है, लेकिन सिद्धार्थ मुझसे ये फॉर्मूला छीन कर विदेश में बेचकर पैसे कमाना चाहता है। अगर सिद्धार्थ ने ऐसा किया तो आने वाले 10 सालों तक हमारे देश को ये मेडिसिन नहीं मिलेगी। उस मेडिसिन को जल्द ही मार्केट में लाने की दुराशा से टेस्टिंग पूरी किए बिना ही उसने 18 बच्चों को वो दवा देकर बेरहमी से मार दिया, और जब तक तुम्हें वीडियो मिलेगा तब तक वो मुझे भी मार चुका होगा। मेरे पास टाइम बहुत कम है, अब ये वीडियो ही उसके अपराधों का आखिरी सबूत है। अक्यूज के सभी क्राइम्स में अब्बास अली ने उसकी हेल्प की थी, इसलिए उसे धीरज चंद्रा, जयंत सूरी, इरफान अली, इन तीनों के साथ मिलकर सिद्धार्थ इस देश को लूट रहा है सर। ये है उनकी सारी रिपोर्ट्स। Yes, sir, सारी रिपोर्ट चेक की है। Whatever he said is right. मिस्टर सिद्धार्थ, अगर कल तक आपने इस सब के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो मतलब होगा कि आपने इन अपराधों को कबूल कर लिया है। आज सिद्धार्थ अभिमन्यु को सब जेल लेकर जाने का स्पेशल कोर्ट आदेश दे रही है। मिस्टर ध्रुआ, टेक चार्ज। ओके सर। फोन। एक्सक्यूज मी सर। इट्स ओके। कल शाम को 5:30 बजे मीटिंग में पहुंच जाऊंगा। तूने उसे अरेस्ट किया, एनकाउंटर के बारे में हम पर छोड़ दो। उसे कुत्ते के जैसे मार डालूंगा तभी हमारा गुस्सा ठंडा होगा। उसका बदला हम नहीं लेंगे, गौतम लेगा, इसीलिए उसे हमारे गौतम के पास भेज देंगे। हाँ यार, उसके लिए एनकाउंटर प्लेस भी डिसाइड कर लिया है। कल जब उसे कोर्ट लेकर जाएगा विजयनगर की बजाय हिमायत नगर साइड डाइवर्ट कर, बाकी हम देख लेंगे। ए सिद्धार्थ, ये माइक बग टेक्नोलॉजी, कुछ देर इसके बिना बात करें क्या? शायद बग ने तुम्हें बहुत डिस्टर्ब किया। बहुत। विजय, 5 मिनट्स। मेरे पास एक अच्छी डील है। डील? आई लाइक डील्स। कितने चाहिए? 100 करोड़? 200 करोड़? 200 करोड़। तुमने जिस मेडिसिन का बिजनेस करने के लिए अक्षरा को जान से मार दिया, अब वो पेटेंट राइट्स उस लड़की के नाम करवा रहा हूं मैं। आखिर में अक्षरा की मेहनत का फल मिलना तो चाहिए। कैसा फल? वो मैंने खोजा था, उसे तो फॉर्मूला भी नहीं पता। कोई कुछ भी कह देगा और तुम पेटेंट बदलवा दोगे। दुनिया में अपना नाम रोशन करने के लिए मैंने उसे खोजा था। पता है, उसने नहीं कहा, मैंने ही कहलवाया है। उस मेडिसिन को सिद्धार्थ ने ही खोजा है, लेकिन उसे वो विदेश में बेचकर कैश करना चाहता है। इस बात को लेकर मेरी सिद्धार्थ से बहस भी हो गई थी। मैंने उसे कहा था ऐसा करना ठीक नहीं है। उसने कहा वो मेरी मेहनत का फल है, इस दवा को मैंने खोजा है और मैं ही इसे कैश करूंगा। उसने जो मेरी मर्जी से कहा उसे उसकी मर्जी से एडिट कर दिया। जिस मेडिसिन को तूने खोजा था उसे उसकी खोज बना दी। प्लेड स्मार्टली। मेरे पास जो है तुमने उसमें से लिया है 0.00001%। शायद अब तक तू अपनी सिचुएशन पूरी तरह से समझ नहीं पाया है सिद्धार्थ। एक इंसान को 8 तरीकों से डिस्ट्रॉय करना, और डिस्ट्रॉय कर दिया। कीर्ति, बुद्धि, पावर, इमोशन, हिम्मत, पैसा, मोरालिटी, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। अष्टदिग बंधनम।
जिस फेम को तूने कमाया था उसे तुझसे दूर करने के लिए अक्षरा के केस में एक छोटा सा ट्रिक प्ले किया, वही है नंबर वन कीर्ति। जरा वहां देख, औरतों को आड़े रख के जीना कोई जीना होता है? मनहूस कहीं का, बर्बाद हो जाएगा, उसे फांसी लगाओ। थू, अगर मेरे सामने आया तो झाड़ू से मारूंगी। पेटेंट राइट्स बदल कर फ्यूचर में तेरी साइंटिस्ट की पहचान को खत्म कर दिया। नंबर टू बुद्धि। वो कोई साइंटिस्ट नहीं है, एक नंबर का क्रिमिनल है, कमी ना कहीं का। पद्मश्री छीन कर इसे फांसी दे देनी चाहिए। तेरे आगे पीछे घूमने वाले MLA से CM तक सबको तेरे खिलाफ करके तेरी पावर को खत्म कर दिया। ये है नंबर थ्री पावर। एक फंक्शन में साथ बैठा था इसीलिए कैजुअली बात कर लिया, उससे लिंक करके मुझे बुरा बना दोगे? अब कभी उसके बारे में मुझसे मत पूछना। ऐसे इंसान पर जितने केस बनते हैं उतने बनाकर अंदर कर दीजिए सर। नंबर फोर इमोशन। प्रीति को धोखा देकर तूने उसे अपने करीब किया, मैंने उसे सच बताकर उसे तुझसे दूर कर तेरे इमोशन पर वार किया। नंबर फाइव तेरी हिम्मत। तू क्राइम करने के बाद कभी डरता नहीं था, लेकिन अपने पहले अटैक से मैं तुझे डराना चाहता था ताकि तू ज्यादा सावधानी बरते। डर लगा था ना, इसलिए तूने मुझे बग लगाया। मुझसे डर कर तूने मेरे आसपास गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। वैसे तुमने अभी क्या कहा था, 200 करोड़? अभी तुझे 10 रुपया भी चाहिए होगा तो मेरे सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। तेरे सारे नेशनल इंटरनेशनल अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। दिस इज सिक्स पैसा। थोड़ा सा ही प्रेशर पड़ते ही सोचने की शक्ति खोकर जानवर बनकर तू क्या करता है तुझे खुद पता नहीं होता, और तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। दिस इज सेवन मोरालिटी। सर जैसा आपने कहा था, पिताजी को हॉस्पिटल से आते वक्त मेरे ड्राइवर ने मार दिया सर। जान चली गई ना, तुमने चेक कर लिया? मेरी आंखों के सामने ही जलकर राख हो रहे हैं। इक्कीस गन सल्यूट्स के बीच सरकारी औपचारिकताओं के साथ पता है तूने किसकी अस्थियों का नमन किया था? तूने जिसे बेरहमी से मारा था मेरे दोस्त IPS गौतम की थी। वो अस्थियां IPS गौतम की थी, ये बात सभी जानते थे तेरे अलावा। तेरे जैसे दरिंदे का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये सब कुछ इस धरती से तेरे अस्तित्व के साथ नामो निशान मिटाने की प्रक्रिया है। और अब तू 0.0001% भी नहीं है, 0। 8वां क्या है? मौत है ना, उसे कैसे डिसाइड किया है? वो डिसाइड करने वाले हम कौन होते हैं? ऊपर वाला डिसाइड करता है ये। और इस बात से अनजान बहुत सारे मिनिस्टर्स और क्राइम पार्टनर्स कोर्ट में तू क्या कहने वाला है इस डर से तुझे मारने के लिए तैयार है। कोर्ट तक तू सेफली पहुंचेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं, अगर पहुंच भी गया तो तुझे 2 बार उम्र कैद की सजा दिलाए बिना मैं चुप नहीं बैठूंगा। सो तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे अलावा। वो क्या है तो हम करें क्या डील? मैं खुद मरकर भी उसे मारना चाहता था, लेकिन अब जो कह रहा हूं सुनो, उसे जीना होगा। व्हाट? उसे जीना होगा? उसने अपने गौतम को मारा था यार। यार जिसे खत्म करने से 100 क्रिमिनल्स खत्म होंगे, उसे ही खत्म करने के लिए सिद्धार्थ को चुना था मैंने। लेकिन अगर सिद्धार्थ जिंदा रहकर अपना मुंह खोले तो 1000 क्रिमिनल खत्म हो सकते हैं। उसके नेशनल इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के साथ बहुत कनेक्शन है, वो सारे हमें चाहिए। ऐसे सपने के लिए ही अपने गौतम ने अपनी जान दे दी। जिसने गौतम को मारा और उसे मारने के बदले से अगर मैं अपना लक्ष्य बदल दूं तो उसके बलिदान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इतने दिनों से मैंने सही कहा या गलत ये सोचे बिना मेरी बात पर यकीन करते आए हो, तो अब भी मेरा यकीन करो यार। ये तुम्हारी जान बचाने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट है। डील बहुत सिंपल है सिद्धार्थ, तेरी जिंदगी तेरा फ्रीडम मैं तुझे लौटा दूंगा। एंटायर पुलिस डिपार्टमेंट से ना डरने वाले बड़े बड़े क्रिमिनल्स आज तुझसे डर रहे हैं सिद्धार्थ, क्योंकि उनके सारे सीक्रेट्स और कनेक्शंस और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिर्फ तुम्हारे पास है। एंड आई नीड इट। ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो, बाहर जाने के बाद मेरे डिपार्टमेंट का बेस्ट शूटर तुम्हें शूट करेगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। जो तुम्हें मारना चाहते हैं उनकी नजर में तुम मर जाओगे। गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंडर तुम्हें सेफ रखने की जिम्मेदारी मेरी है।
देश को धोखा देने वाले बहुत से वीआईपीज का नकाब हटाने के लिए तुम्हारी मदद के बदले ये मेरा ऑफर है। डिसीजन इज योर्स। गिव मी 5 मिनट्स। श्योर। राजा कैसे हो? तुमसे खुद को बचाने के लिए पुलिस के साथ आने की नौबत आ गई है। सबको मार के तुम अकेले ही जी के क्या करोगे राजा? सारे इंसान मिलकर जिए उसमें खुशी मिलती है। ये नहीं जान पाओगे तो उस बुद्धि का कोई फायदा नहीं। इतने दिनों से तुम्हारी हर बात मानी है, बस एक बात तुम मेरी मान लो बेटा। जैसा उसने कहा कोट पहन लो राजा कोट। बड़े बड़े नेता, व्यापारी और ऐसे कई लोग हैं जिनका भविष्य आज दांव पे है। आज कोर्ट में सिद्धार्थ क्या कहेंगे उसका सभी को इंतजार है। गुड चॉइस। कम रणवीर। बोलो ध्रुवा। सब कुछ तैयार है ना? टेक पोजीशन। ओके।